हेलो दोस्तों, केजीएच हैकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कुणाल घोष। आज मैं आपको एक ऐसा ऐप बताने वाला हूं, उस वन क्लिक पे आप यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब बैनर्स, किसी भी फेस्टिवल का आपको इनविटेशन कार्ड बनाना है, फ्लायर्स बनाना है या किसी चीज के बधाई देनी हो, आप उसमें कुछ सब कुछ बना सकते हो। सिंपली मैं आपको दिखा दूंगा उसमें क्या आप इसमें अपने इंस्टाग्राम स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, पोस्टर्स बना सकते हो, वीडियोस बना सकते हो या आप यूट्यूब बैनर्स बना सकते हो। इसके अलावा आप यूट्यूब थंबनेल बना सकते हो, फ्लायर्स बना सकते हो, इनविटेशन कार्ड बना सकते हो या डॉक्यूमेंट बना सकते हो। एक ऐसी ऐप है जो वन क्लिक पे आप सब कुछ बना सकते हो। मैं सिंपल सबसे पहले एक चीज बना के आपको दिखा देता हूँ साइड स्क्रीन पे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऐप में जाना पड़ेगा और सिंपली आपको इसमें सर्च के आइकॉन पे जाके अभी क्या आ रहा है रक्षाबंधन, तो मैं रक्षाबंधन क्लिक करूंगा। क्लिक करते सिंपल से कुछ टाइम के लिए लोडिंग लेता है। लोडिंग लेने के बाद आपकी स्क्रीन पे रक्षाबंधन के सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। इसमें से आप एक टेम्पलेट को क्लिक कर लेना जो आपको अच्छा लगे और उस पर क्लिक करके आप अपना नाम और पता इसमें ऐड कर देना। बाकी जो इसमें आता है टेम्पलेट में ऑटोमेटिकली हैप्पी रक्षाबंधन लिखा हुआ रहा, 2023 लिखा हुआ रहा, सब उसमें ऑटोमेटिकली दिया जाएगा। अगले वीडियो पर जरूर करें। अभी एक कौन सा इस बारे में बात करते हैं, नाम आपको बताता हूँ। इस ऐप का नाम है केनेवा, CANVA। ये आपको अपने प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। जैसे आप अपना प्ले स्टोर खोलोगे, प्ले स्टोर खोलने का सर्च के आइकन पे आपको लिखना है केनेवा, CANVA। मैं केनेवा सर्च करता हूँ, सेकंड वाला आइकन आपको दिख रहा है। ये फोटो जरूर देख लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक ही नाम के ऐप मिल जाएंगे और मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आप इसको सिंपली ओपन कर लेना। जैसे आप इसको ओपन करते हो, ओपन करने से पहले आपके एक जीमेल आईडी से लॉगिन मांगेगा, तो आप किसी भी एक जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको सोचना है कि आपको क्या बनाना है। अगर आपको यूट्यूब बैनर्स बनाने हैं तो आप यूट्यूब बैनर्स का आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल को साइड में देखो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है वीडियोस यूट्यूब बैनर्स। आप ऐसे आप यूट्यूब बैनर्स पर क्लिक करोगे तो जितने भी यूट्यूब बैनर्स के टेम्पलेट होते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। उसमें से आपको एक दो सेलेक्ट कर लेना है, थोड़ा लोडिंग लेता है। इसे आपने लोडिंग लेने के बाद देखो आपके बैनर्स आ गए। आप उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा है और जैसे खुलता है, खुलने के बाद आप अपना यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल का नाम डाल देना है और इसका जो नाम और मोबाइल नंबर जो भी आपका डालना था उसमें से क्लिक करके इसको बैनर्स आगे। अब आपको यहाँ पर जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है वो इस चैनल की जगह क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ जैसे मेरा चैनल का नाम KGH हैकर, तो मैंने यहाँ KGH हैकर लिख दिया और इसको अपनी जगह सेट कर दिया। इस तरीके से आप भी अपने बैनर्स का जो भी आपका यूट्यूब चैनल का नाम हो अपने बैनर में डाल सकते हो। और आप चाहो उसका फोटो भी, जैसे आप फोटो क्लिक करोगे तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन करना है। इसमें आपको ओनली इमेज डिलीट करनी है, फ्रेम नहीं। और यहाँ पर कोई आप जो आपका फोटो आप इसमें जैसे आप अपलोड में जाओगे यहाँ से आप अपलोड फाइल करके उसको अपलोड कर लेना और जो आपको फोटो उसको आप सिंपली जैसे मेरे को मेरा ये फोटो में इसको क्लिक करूंगा तो ये सिंपली वहाँ पे आ जाएगा और उसको उस पर ले जाकर छोड़ देना है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेट हो जाएगा। इस तरीके से फोटो भी सेव कर सकते हो। और जैसे अब अपना बैनर बन के रेडी हो गया, ये उसी साइज का बन रहा है जो यूट्यूब मांग रहा है, उस साइज का बैनर बन के रेडी हो गया। ऊपर आपको देखो एक एरर दिख रहा है साइड में फर्स्ट नंबर वाला, जैसे आप इसको क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है और ऐसे आप इस बैनर्स को फिर डाउनलोड पर क्लिक करके सेव कर सकते हो। ऐसे इस बैनर्स को आप सेव कर लो। अब आपको मैं दूसरा चीज बताता हूँ इसमें यूट्यूब थंबनेल। आपको सिंपली बैक आ जाना है और आपको होम पेज पे चले जाना है। जैसे आप होम पेज पे जाते हो, होम पेज पे जाने के बाद ये कुछ टाइम के लिए हमेशा अगर बैक करोगे तो लोडिंग मांगेगा, कुछ टाइम बाद ही खुलेगा, हैंड टेंट नहीं खुलता, इसमें कुछ रीजन अपडेट मांग रहा है इस कारण से। अब आपको क्या करना है, आपको होम पेज पर जाके थंबनेल बनाना सिखाऊं। इसके लिए सिंपली आपको यूट्यूब स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे साइड में स्क्रॉल करने के बाद यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने कंटेंट के अनुसार आपको एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है या उस पर क्लिक कर लेना है। तो बहुत सारे टेम्पलेट आपके स्क्रीन पर आ गए, ये वही साइज है जो यूट्यूब के थंबनेल का साइज आता है। आप किसी भी एक टेम्पलेट को ले लेना जो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग हो, समझ रहे हो, जो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग हो। आप उस पर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा देर लोडिंग करता है, लोडिंग करने में हमेशा टाइम लेगा, याद रखना ये ऐप धीरे धीरे चलता है। अब ये यहाँ पे लोडिंग हो चुका है, लोडिंग होने के बाद अब आपको क्या ब्लॉग का बनाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसका नाम चेंज कर, जैसे मैं बनाता हूँ KGH ब्लॉग, तो मैं लिख दूँ KGH ब्लॉग्स, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। अब यहाँ आपको फोटो खुद का लगाना है तो आप यहाँ क्लिक करोगे सिंपली और इसको यहाँ पर डिलीट मार देना। आपको ओनली इमेज डिलीट करनी है, तो मैंने यहाँ इसको डिलीट कर दिया।
डिलीट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरा एक फोटो लेना है तो प्लस का आइकन पर क्लिक करूंगा और यहाँ से आप मैं अपलोड में जाके मैंने एक फोटो अपलोड किया हुआ, आपको नहीं किया हुआ तो अपलोड फाइल में जाके वो अपलोड कर सकते हो। तो मैं उस वाले फोटो को इस पर डाल दूंगा जो मैं दो तीन दोस्त घूमने गए थे वो वाला फोटो मैंने क्लिक कर लिया, उस फोटो को मैं इस पर लेते ऑटोमेटिकली यहाँ सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको छोटा बड़ा भी कर सकते हो फोटो को, जिससे आपको अच्छा लगे आप फोटो कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आप प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके आप नाम चेंज कर सकते हो, टेम्पलेट अलग अलग लगा सकते हो, बहुत कुछ इसमें ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो। अब आप इसमें और क्या कर सकते हो, अब थंबनेल में जैसे प्लस का आइकॉन पर जैसे क्लिक करोगे इसमें आप टेक्स्ट लगा सकते हो, टेक्स्ट का जो आपको जैसा आपको वर्ड लेना है, कैटेगरी लेना है, आप गैलरी से डायरेक्ट फोटो अपलोड कर सकते हो, ब्रांड लगा सकते हो जो आपका ब्रांड है उसका नाम, इसके लिए वो पेंट वर्जन करना पड़ेगा ब्रांड लगाने के लिए। उसके अलावा अपलोड में जाकर आप जितने फोटो अपलोड कर सकते हो, और उसके अलावा ड्रॉ में जाकर आपको कैसे अगर आपको हाथ से कुछ लिखना है तो ड्रॉइंग भी बना सकते हो, इसमें पेंसिल सारे इसमें आपको दिख जाएंगे, प्रोजेक्ट ले सकते हो, सिंपली इसमें आप एलिमेंट्स भी लगा सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे एलिमेंट्स पे, अब आपको आप सोच रहे हो कि मुझे तो यूट्यूब का साइन लगाना था, आप जैसे यूट्यूब पर क्लिक करोगे ऊपर यूट्यूब लिखा हुआ आ रहा है, यूट्यूब पर क्लिक करोगे यूट्यूब के बहुत सारे आइकॉन आ जाएगा, आप कोई सा इसमें आइकॉन सेलेक्ट कर सकते हो। आपको अगर एरो का लेना है तो आपको सिंपली इसको कट करके यहाँ एरो डाल देना, एरो पे क्लिक करोगे तो ये सारे इसमें एरो व्हाइट कलर जो भी सारे एरो आ गए, राइट का चिन्ह आ गए। इस तरीके से इस ऐप के थ्रू आपको कुछ करना नहीं है, क्लिक करना है कंटेंट पे और कंटेंट के अनुसार आप इसमें एरो लगा सकते हो, यूट्यूब का आइकॉन मिल जाएगा, फेसबुक का आइकॉन मिल जाएगा, डॉलर का आइकॉन मिल जाएगा, राइट वाला आपको एरो मिल जाएगा, प्लस वाला एरो मिल जाएगा, हर कुछ चीज इस ऐप में अवेलेबल है, वो बिल्कुल फ्री में। अगर ये वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आप आने वाले टाइम में पोस्टर भी बना सकते हो या जो आपको अच्छा लगे इन्विटेशन कार्ड तक भी बना सकते हो। तो मेरा वीडियो